हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, मैं संदीप कुमार आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम फ्रेंड्स इस वीडियो में बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में दोस्तों बात करें। आपका सिलेक्शन प्रोसेस पर किस प्रकार से होना है इसमें, गाइस अगर आप इस बारे में इंटरेस्टेड हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। मैं आपके सभी डाउट क्लियर कर दूंगा कि आपका फिजिकल किस प्रकार से होना है, आपका इसमें पेपर कैसे होगा, कैसे नहीं होना है, ठीक है। तो गाइस मैं इस वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। आप मौका जैसे मैं ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आप बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल सिलेबस 2019 एग्जाम पैटर्न सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। हम गाइस आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे कि आपका सिलेक्शन तक, ठीक है, कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होना है इसमें। तो यहाँ पे देखिए, आप बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल 2019 रिसेंटली रिलीज 11,880 सीट्स। गाइस आपकी अभी हाल ही में जो वैकेंसी आई थी 11,880 पोस्ट आई थी, आपको पता है, आपने फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे, ठीक है। सब लोग इसके अब मतलब कि एग्जाम की पार्ट देख रहे हैं कि एग्जाम कब होगा, इसका एग्जाम का वेट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए गाइज, यहाँ पे सब्जेक्ट से नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क्स, टाइम ड्यूरेशन, इसमें आपके टाइम की बात कर लीजिए। आपको गाइज इसमें 2 घंटे टाइम मिलेगा आपको पेपर मतलब जो होता है आपका उसको सोल्व करने के लिए, ठीक है। इसमें आपसे फर्स्ट स्टेज में हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 50 नंबर के, ठीक है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 मार्क्स के। गाइज आपको हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर्स, ठीक है। गाइज आपको 4 सेक्शन में से जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स में से आपको 50 नंबर में मतलब 50 मार्क्स के होंगे आपके क्वेश्चन वहाँ पे, और 50 नंबर आपको उसके दिए जाएंगे। और जो अलग से मतलब 50 नंबर आपको यहाँ पे देखिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, चूंज एनी 2 सब्जेक्ट। गाइज दूसरी स्टेज में आपको ओनली 2 मतलब सब्जेक्ट यहाँ पे चूंज करने हैं आपने, ठीक है। आपको सिलेक्ट करने हैं, मैथ कर लीजिए, फिजिक्स कर लीजिए, केमिस्ट्री कर लीजिए, बायोलॉजी कर लीजिए, आपको ओनली 2 सब्जेक्ट चूंज करने हैं वहाँ पे। जिसमें आपको 20, 25, 25 के गाइज 2 आपको आपको सेट्स मिलेंगे, ठीक है। मैथ के ले लीजिए, फिजिक्स को चुन लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। आपको ये भी आपको कम से कम 50 मार्क्स के वहाँ पे मिलेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 50 नंबर के होंगे, ठीक है। 25, 25, 50, ओके। टाइम आपको टोटल इसका टोटल सारे का टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे का टाइम। गाइज ये जो आप देख रहे हैं ना, जो ये सेक्शन दूसरा है ये भी सी में इंक्लूड है, लेकिन इसके लिए आपको अलग से 2 सब्जेक्ट लास्ट में आपको चूंज करने पड़ेंगे, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है, लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों मतलब एक सेम ही है, ओके। टाइम आपको ओनली 2 घंटे का टाइम मिलेगा करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए गाइस, द रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन ऑफिस मोड ओएमएल सीट। गाइस आपको जो पेपर इसमें होना है ऑफलाइन होना है, ना कि ऑनलाइन होना है, ठीक है। गाइस आपका जो पेपर होगा इसमें ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ओके। यहाँ पे देखिए, दिस टेस्ट ऑफ कंडक्ट सो क्वेश्चन विद ए टाइम ड्यूरेशन ऑफ 2 घंटे। गाइस आपको इसमें 100 क्वेश्चन मिलेंगे, इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का, ठीक है। आपको 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ओके। ईच क्वेश्चन ओ कैरी ऑन वेट एज ऑफ 1 मार्क। गाइज हर क्वेश्चन एक नंबर का होगा, ओके। मिनिमम 30% मार्क्स विल बी रिक्वायर्ड टू गेट क्वालिफाई फॉर द फिजिकल टेस्ट। गाइज आपको मैं बता दूं, आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है ये, ठीक है। आपको ओनली पेपर में 30% मार्क्स चाहिए, मतलब गाइज 100 में से आपको 30% मार्क्स लेने हैं, मतलब 30 नंबर आपको ओनली लेने हैं 100 में से, ठीक है। अगर आप फिजिकल की तैयारी अच्छे ढंग से करोगे इसका पास, इसमें आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। आपको ओनली 100 में से 30 नंबर लेने हैं इसमें। आप अगर 30 नंबर ले लेते हो गाइज, आपका फिजिकल के लिए आपका क्या कहते हैं एडमिट कार्ड पक्का आएगा। अगर आप 30 से कम लेते हो तो आपका एडमिट कार्ड बिल्कुल भी नहीं आएगा, जो आपको 30% मार्क्स लेने ही पड़ेंगे इसमें, ओके। नाइट नीचे देखिए, यहाँ पे बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें आपके सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए, यहाँ पे देखिए गाइज, सबसे पहले आपको इसमें रिटन टेस्ट होना है, ठीक है, जो कि ऑफलाइन होगा। बाद में आपका इसमें फिजिकल होना है गाइज, ठीक है, पीटी, पीएसटी से बोलते हैं हम। बाद में आपका फिर उसके बाद आपका होगा मेडिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, फिजिकल, मेडिकल, आपकी गाइज ये 3 स्टेज है इसमें। ये अगर तीन तीनों को आप पार कर लेते हैं आपका सिलेक्शन इसमें श्योर हो जाएगा, ओके। वैसे यहाँ पे देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात की जाए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख लीजिएगा आराम से, ठीक है। आपकी जो एससी एसटी की जो इसमें हाइट मांगी गई है 160 मांगी गई, ठीक है। जो अभी जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं उनकी जो इसमें हाइट मांगी गई है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और एससी यहाँ पे देखिए बीसी कास्ट की गाइस, यहाँ पे देखिए आपकी 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए बीसी की, ठीक है। यहाँ पे एसटी की 160 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। फीमेल ऑफ आल कैटेगरी, जितनी भी फीमेल्स हैं लड़कियां गाइस, उनकी जो इसमें हाइट मांगी गई है 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए चेस्ट ओनली फॉर मेल, जो भी चेस्ट से मतलब यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं जनरल बीसी, बीसी, एसबीसी, जो भी जनरल और ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं उनकी जो चेस्ट इसमें 81 से 86 होनी चाहिए, मतलब 81 से 86 होनी चाहिए, 81 बिना फुलाए 86 फुला के, ओके। और गाइस यहाँ पे देखिए एससी एसटी गोरखा ऑफ इंडिया, जो भी पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं, जो भी एससी एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, उनकी जिसमें आपकी चेस्ट मांगी गई है 76 से लेके 84 होनी चाहिए, 76 बिना फुलाए 84 फुला के, ओके गाइस। और यहाँ पे देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीटी 100 मार्क्स आपको गाइस इसमें फिजिकल के आपको पूरे 100 नंबर में दिए जाएंगे, ठीक है। 100 नंबर आपको किस प्रकार से मिलेंगे यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार,
रेस गाइज 50 मार्क्स की होगी, ठीक है। आपको रेस 50 मार्क्स की, आपको रेस के नंबर मिलेंगे यहाँ पे। रेस कंप्लीटेड विद इन 5 मिनट गाइज, अगर आप 1600 मीटर रेस 50 मिनट मतलब 5 मिनट से पहले कर लेते हो आपको 50 मार्क्स वहाँ पे मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। 50 मार्क्स 5 मिनट से पहले आपको करनी है। अगर गाइज आप देखिए रेल रेस रेस कंप्लीट विद इन 5 मिनट 20 सेकंड, अगर आप 1600 मीटर रेस 5 मिनट 20 सेकंड में क्लियर करोगे आपको 40 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप रेस 5 मिनट 20 सेकंड टू 5 मिनट 40 सेकंड के बीच में करोगे गाइज आपको 30 नंबर वहां पे मिल जाएंगे आराम से। अगर आप वहां पे यहाँ पे देखिए आज 5 मिनट 40 सेकंड टू हिम 6 मिनट गाइज, अगर आप यहाँ पे जो 1600 मीटर रेस है 5 मिनट 40 सेकंड और 6 मिनट के बीच में करते हो आपको 20 नंबर मिलेंगे वहां पे, ठीक है। और अगर आप 6 मिनट में पास करोगे तो आपको ओनली आपका ओनली क्वालिफिकेशन होगा, आपका और कुछ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप पूरा 6 मिनट में क्लियर करते हो आपको कम से कम गाइज रियल मतलब आपको मान लीजिए ये रेस कम से कम आपको 6 मिनट से पहले पहले आपको ये क्लियर करनी है, 6 मिनट से पहले पहले क्लियर करनी है। अगर आप 6 मिनट में क्लियर करते हो आपको कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे वहां पे, आपको मतलब कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे गाइज वहां पे, ठीक है। आपको मैंने बता दिया अभी। और जो भी फीमेल से गाइज जो भी मतलब फीमेल लड़कियां हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए रेस कंप्लीट विद इन 4 मिनट्स, जो भी लड़कियां हैं अगर वो 4 मिनट में रेस क्लियर कर देती है 1 किलोमीटर तो आपको 50 मार्क्स मिल जाएंगे। 1 किलोमीटर रेस 4 मिनट में करनी है। अगर आप 4:20 में करते हो आपको 40 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 4 मिनट 20 सेकंड में करते हो आप तो आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे। जो भी लड़कियां हैं 4 मिनट 20 सेकंड से लेके 4 मिनट 40 सेकंड के बीच में अगर आप रेस क्लियर करते हो तो आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और जो भी लड़कियां यहाँ पे देखिए 4 मिनट 40 सेकंड से लेके 5 मिनट के बीच में अगर आप रेस क्लियर करते हो 1 किलोमीटर तो आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप 6 मिनट में क्लियर करते हो तो आपका ओनली क्वालिफिकेशन होगा, आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे देखिए हाई जंप, इसमें आपको हाई जंप के पूरे 25 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे, आप आराम से देख सकते हैं फ्रेंड्स। फॉर मेल्स मिनिमम 4 फीट गाइस, में आपको कम से कम 4 फीट तो कूदना ही पड़ेगा, 4 फीट आपका मिनिमम है, कम से कम 4 फीट होगा आपका इसमें जो आपका ऊंची कूद होगी, ठीक है। इससे ऊपर आप कितना भी कूद लीजिए आपकी मर्जी है, लेकिन 4 फीट से नीचे आपका नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 4 फीट टू 4.4 फीट 13 इंच गाइस, अगर आप 4 फुट कूदते हो ठीक है तो आपको 13 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 4.8 फीट कूदते हो तो आपको 17 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप पूरा 5 फीट कूदते हो तो आपको 21 मार्क्स मिलेंगे। और गाइस अगर आप 5 फीट से ऊपर कूदते हो तो आपको 25 मार्क्स यहाँ पे आराम से दी मतलब मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 5 फीट 25 मार्क्स, ओके गाइज। ऐसे फ्रेंड यहाँ पे फीमेल का है, ठीक है। यहाँ पे 3 फीट अगर कूदते हो अगर तो आपको 13 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर 3.8 फीट कूदते हो तो 17 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप पूरा 4 फीट कूदते हो जो गर्ल्स हैं तो आपको 21 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप 4 फीट से ऊपर कूदते हो तो 25 मार्क्स को पूरे मिल जाएंगे। अगर आप 4 फीट से ऊपर कूदते हो तो आपको 25 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे फुल में से फुल, ओके। ऐसे कहते आपका यहाँ पे गोला फेंक है, ठीक है। अगर आप 16 फीट आप ये गोला फेंक देते हो तो आपको गाइस 9 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 17 फीट या 18 फीट फेंक देते हो तो आपको 13 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप 19 फीट फेंक देते हो तो आपको 17 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप 20 फीट फेंक देते हो तो 21 मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। अगर आप 20 फीट से ऊपर कूद मतलब फेंक देते हो गोले को तो आपको 25 मार्क्स आराम से यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए फीमेल का आपका, ठीक है। अगर आप 12 फीट फेंक देते हो आपको 9 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप 14 फीट फेंक देते हो आपको 13 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप 15 फीट गोले को फेंक देते हो आराम से तो आपको 17 मार्क्स यहाँ पे आराम से मिल जाएंगे। अगर आप 16 फीट फेंक देते हो आपको 21 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप 16 फीट से ऊपर फेंक देते हो 14 फीट से ज्यादा फेंक देते हो आपको 25 मार्क्स यहाँ पे आराम से दे दिए जाएंगे, ठीक है। जो भी फीमेल्स हैं यहाँ पे देखिए गाइज मेडिकल टेस्ट, यहाँ पे आपका आराम से गाइज मेडिकल होना है, ठीक है। गाइज अगर आपको मेडिकल के बारे में जानना हो या फिर आपको कुछ डाउट्स आते हैं कि मेडिकल में किस प्रकार से कैसे क्या होना है मुझे बता देना कमेंट करके, मैं आपके लिए मेडिकल से रिलेटेड आपके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और जिन मेरे फ्रेंड्स के डाउट रहते हैं इस वीडियो में कि गाइज आपको मतलब कुछ भी डाउट हो सकता है तो मुझे बता देना यार, मैं आपका जवाब पक्का दूंगा, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं ना चैनल फटाफट सब्सक्राइब।